आशा कार्यकर्ता ही स्वास्थ्य सेवाओं की धुरी हैं। सरकार की स्वास्थ्य व पोषण संबंधित कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि आशा बहु का सक्रिय योगदान न हो। अगर उत्तर प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है तो इसमें आशा का महत्वपूर्ण योगदान है। यह बातें गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने जिला आशा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत भवन में आयोजित इस सम्मेलन में 3 आशा संगिनियों व 57 आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर योगदान के लिए पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने आशा कार्यकर्त्रियों से अपील की कि वह पूरी निष्ठा के साथ समाज के गरीब तबके की सेवा में योगदान दें। सरकार उनके योगदान को समझती है और इसीलिए उन्हें इस साल से 750 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां आयुष्मान भारत जैसी योजना है जिसमें गरीबों को पूरी तरह से निःशुल्क इलाज मिलता है। जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने इस अवसर पर आशा कार्यकर्तियों को बधाई देते हुए कहा कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण करने में आशा कार्यकर्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने मात्र दर और टीकाकरण में आशा बहुओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने आशाओं को आश्वस्त किया कि उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान होगा और नियत मानदेय के लिए भी वह शासन से प्रयास करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने आशा कार्यकर्त्रियों की स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका की सराहना करते हुए घटते लिंगानुपात पर चिंता जताई और इस क्षेत्र में मदद की अपील भी की। सीएमओ ने कहा कि भ्रूण हत्या की घटनाओं को रोकने में आशा कार्यकर्त्रियों का महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं। कार्यक्रम का संचालन खोराबार के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्वेता पांडे ने किया जबकि आभार ज्ञापन जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ओपीजी राव द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीएमओ व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर आईवी विश्वकर्मा, एसीएमओ व नोडल आरसीएच डॉक्टर नंद कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर एके पांडे समेत जिले के सभी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी व बीसीपीएम मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुरस्कृत आशा संगिनी आशा कार्यकर्त्री मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह और जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती कहा जाता है। मान्यता प्राप्त
सामाजिक स्वास्थ्य, तीन वर्ड हैं, तो आप मान्यता प्राप्त हैं। ये बात अगर अलग है कि सरकार आपको मानदेय देती है, आपको तनख्वाह भी देती है, आप सरकारी कर्मचारी अपॉइंटेड नहीं हैं, लेकिन आपको हर कार्य का मानदेय देती है, सम्मानजनक मानदेय देती है। और आज आशा दिवस पर मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आपका डबल कर दिया था, 1000 का 2000, वो तो आपको मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपका 750 रुपया बढ़ा दिया था, उसका बजट पास हो गया है और वो बजट जल्द ही हमारे पास आने वाला है और केवल 15 दिन समय लगेगा कि हम उसको PFMS के माध्यम से आपके खातों में भेजना शुरू कर देंगे। आज मैंने जो आपको फोल्डर्स दिए हैं उसमें एक प्रिंटेड प्रोफार्मा इस बात का उसमें रखवाया है जानबूझकर कि हमारी आशा बहुएं जाने कि किस किस मद में किस किस कार्य के लिए उनको कौन कौन सा मानदेय मिलता है। पूरा अगर आप टोटल करेंगे तो ऑन एन एवरेज औसतन प्रत्येक आशा बहु को जो सामान्य रूप से अपना कार्य संपादित कर रही है 5 से 6 हजार रुपया तो मिलेगा ही। यदि अधिक कार्य करती हैं तो और भी मानदेय उसमें है वो मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी MDR-TB के मरीज को, जिसके ड्रग रेजिस्टेंस मरीज है, उसको आप दवा खिला रही 3 महीने 6 महीने जितना भी टेन्योर है खिलाती हैं तो एक मुश्त आपको 5000 रुपये दिया जाता है। और अगर non-MDR को आप दवा खिला रही हैं तो 1000 रुपये दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मद हैं जो उसमें मैंने प्रिंट करवाया है। सिंपल अगर एक JEE-AES का केस आप अपने क्षेत्र से मिनी पीपू ETC जिला अस्पताल या BRD जहां भी रेफर करेंगी, अगर वो JEE-AES का केस है तो खाली उसे रेफर करने के लिए आपको 300 रुपया दिया जाता है। ऐसे ही जितनी आप ड्यू लिस्ट बनाती हैं, जितनी आप मीटिंग्स कराती हैं, जो आप मीटिंग में जाती हैं, आज आप यहाँ आशा दिवस सम्मेलन में आई हैं, हर एक की धनराशि मानदेय के रूप में आपको दी जाती है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि हमारी आशा बहुएं बहुत ही जिम्मेदारी से उस एरिया, जो 1000 की पॉपुलेशन जहां से आप आती हैं, वहां बहुत ही मेहनत से कार्य करती हैं। और वो चूंकि आप वहां की बहू हैं, वहां का हर घर आपका पहचाना हुआ है, हर महिला, हर बच्चा, हर पुरुष आपको जानता है, इसलिए आपको कभी वहां कार्य करने में असुविधा नहीं होती है। इसलिए आप अपने कार्य को उस 1000 की आबादी पे काफी अच्छा कर रही हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इसी तरह कार्य करती रहें और गोरखपुर की जनता को, आपके उस 1000 की आबादी को जहां से आप चुनी गई हैं, उसको समस्त प्रकार की जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी हैं दी जाएंगी और भविष्य में और भी बहुत से प्रोग्राम आएंगे, उनकी जानकारी अवश्य कराती रहें और उनकी मदद करना। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, समाज के उस व्यक्ति के, खास करके महिला, बूढ़े और बच्चे, जो समाज के 3 कमजोर माने जाते हैं, इनको वो सारी सुविधाएं दिलाने में भी आपको मदद करनी चाहिए। आप कर भी रही हैं, प्रसूताओं की, धात्र महिलाओं की, बच्चों के टीकाकरण का, ये कार्य तो सभी आप कर ही रही हैं। नए कार्य भी आपको दे दिए जाते हैं, वो भी आप बखूबी करती हैं और अच्छे से करें। जैसे आयुष्मान भारत एक बहुत ही बढ़िया योजना, विश्व ने जिसकी तारीफ की है, न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि विश्व में इसकी तारीफ हुई है कि इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना किसी देश में नहीं है। और उसमें आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आप बताएं कौन कौन सा हॉस्पिटल गोरखपुर में इम्पैनल्ड है, वैसे वो व्यक्ति भारतवर्ष के किसी अस्पताल में इलाज करा सकता है जो इम्पैनल्ड है, लेकिन कम से कम गोरखपुर के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। आपको ये भी देखने की बात है कि उसका कार्ड बन गया है, प्रधानमंत्री का पत्र, मुख्यमंत्री का पत्र मिल गया है, तो उसका
गोल्डन कार्ड भी जनरेट कराने में मदद करनी चाहिए, जो हमारे तमाम आरोग्य मित्र कर रहे हैं। मैं आज के इस आशा दिवस पर अपनी सारी आशा बहुओं को एक तरीके से उनका जन्मदिन के तौर पे हम लोग मनाते हैं तो बधाई देता हूँ, और आज जन्माष्टमी पर सबको जन्माष्टमी की भी बधाई देता हूँ। सीएमओ साहब ने काफी अच्छे तरीके से आशा बहुओं द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत व्याख्या करी, आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने कार्यों के बारे में बताया। मेरा ये एक अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोगों को जो भी प्रोग्राम नए शुरू होते हैं उनमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक होती है, उसको आप लोग बहुत ही गंभीरता से उसको समझें। नहीं समझ में आता है अपनी ANM बहुओं से या डॉक्टर साहब से किसी न किसी से उसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि जब वो चीज आपकी कम होती है, समझ कम होती है, तो कार्यक्रम पर बहुत असर पड़ता है। बाकी जो सीएमओ साहब ने बताया इतने सारे कार्यक्रम जो भी नए जोड़ते हैं सब में आपकी सहभागिता होती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे उपस्थिति दिखाई दे रही है उसी तरीके से सारे कार्यक्रमों में अपने जोर के साथ अपना सहयोग देती रहेंगी। धन्यवाद। हमारी आशा बहने संगनी बहने सारी बहनों को हम तहे दिल से जो है आज इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और जो है सारे हमारे पुण्य साहब कार्य के बारे में उन्होंने बता दिया, और सर हम ज्यादा समय आपका न लेके जो है थोड़ा समय हम लेंगे, क्योंकि हमारी बहने हर ब्लॉक हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी बहने काम करती है। आज ऐसा शुभ होते है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, आज हमारी बहनों का जन्मदिन भी है, और आज हम आपसे एक संकल्प लेना चाहते हैं, और हमारी बहनों का भी आज संकल्प है कि कोई भी सर अगर दिक्कत होती है, कोई हमारी बहनों को दिक्कत होती है तो हमारी बहनें लिखित है अपने अधिकारी ब्लॉक के हो या जिले पर हो, लिखित आप लोग कीजिए किसी हमारे अधिकारी से, हमारे DGM भाई से, आप लोग उलझने का काम न ले बहनों, आज आप लोग हाथ उठा के आपको निर्णय लेना पड़ेगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और आज हम अपने जिले के अधिकारी साहब से सीएमओ साहब से ये कहना चाहते हैं, विधायक जी भी पहुंचे हुए हैं, जो हमारी हर नगर में वार्ड में हमारी बहने हैं, हमारी बहने काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक संदेश सभी आशा बहनों के लिए आया है, और ये निर्देश है कि ये संदेश इस मीटिंग में पढ़ा जाए, तो मैं इसे आपको सुनाता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आपके लिए लिखा है। आप सभी को आशा दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। प्रतिवर्ष यह दिवस हमें समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने में आपकी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। विगत 2 वर्षों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में व्यापक सुधार आया है। नियमित टीकाकरण एवं मिशन इंद्रधनुष में आपके प्रयासों के फलस्वरूप बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 81 से बढ़कर 87% हो गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का पंजीकरण 87% हो गया है। संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर नियंत्रण हेतु चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, जन जागरूकता की व्यापक गतिविधियां तथा अंतर विभागीय सहयोग के फलस्वरूप वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में दिमागी बुखार के रोगियों की संख्या में 35% तथा दिमागी बुखार से कुल मृत्यु की संख्या में 63% की कमी आई है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 2000 से अधिक आरोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों द्वारा आशाओं के सहयोग से जन समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर गैर संचारी रोगों संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि में निरंतर वृद्धि की जा रही है।
एवं पारदर्शी तरीके से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किए जाने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष 750 रुपया प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे निश्चय ही आपकी लगन व निष्ठा में वृद्धि होगी। अंत में मैं पुनः इस संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हम अपने प्रयास से उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे एवं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में सफल होंगे। धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री का संदेश। मंचा सिंह मुख्य अतिथि, आदरणीय विधायक विपिन सिंह जी, सीएमओ साहब, जेडी हेल्थ और स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, साथियों और आज इस कार्यक्रम पे आए हुए सम्मानित आशाओं, मीडिया साथियों। वैसे सीएमओ साहब कल बताए थे आज तो आशा दिवस है, हमने बताया तो आज तो सार्वजनिक छुट्टी है, जन्माष्टमी है, आप क्यों रखे हो गए साहब? तो 23 तारीख है, वो हमेशा तो मनाया जाता है 23 अगस्त हम आशा के दिवस में, तो फिर मुझे जो भी लगाया तो सही बात है, ताकि एक ऐतिहासिक दिवस है और उसके ऐतिहासिक पहल तो कुछ साल पहले हुआ है, उसी के रूप से हम लोग मना रहे हैं। आशा का पहल जो तकरीबन 7-8 साल पहले हुआ है, आपको याद होगा, तब ये योजना चालू हुआ है, बहुत लोग का शक था कि आशा क्या, तो पढ़ी लिखी तो है नहीं, डॉक्टर नहीं है, क्या कर लेगी ये? आज आप लोग करके दिखाए, साबित किए हैं क्या कर सकते हैं आप लोग, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। वाकई में आप तारीफ लायक हैं और जो आज अवतार पुरुष का जन्म दिवस में आपके भी साथ मनाने के आप पात्र भी हैं, इसके यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ताकि तब मैं जनपद में चार्ज लिया 1.5 साल पहले, तब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कांड हुआ है तो याद होगा, जो तमाम बच्चे जी जेपेंडेंस इंसिबिलिटी थी से मरे थे, सरकार का भी फरकरी में खड़ा करना पड़ा, तमाम प्रश्न उठाया जाता है ये गोरखपुर में क्या हो गया, ऐसे कुछ इतने बच्चे क्यों अचानक मर रहे हैं, ये कहाँ से आ गई बीमारी, क्या है? उसके बाद फिर पूरा प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में लग करके जो स्ट्रैटेजी उर्कोट किए, एक ऐतिहासिक पहल हुआ, यानी सारे विभाग मिलके ऐसे बीमारी का हम लोग खदेड़ के बता दिए इसी जनपद में, इसी नाम लेना ही तो बंद कर दिए, ताकि इस साल में कहने के लिए मुझे भी गर्व हो रहा है, जेई यही का डेथ है ना के बराबर हुआ है, एक दो कहीं इधर उधर हो सकता है वो तो मामूली तौर से, बाकी नहीं तो अब तक का सारे बच्चे का हम लोग सुरक्षा दे करके बचा करके हम लोग रख रहे हैं, हर साल तो 2-3 साल पहले इसका संख्या ही हजारों संख्या में बच्चे यहाँ मरते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये सारे पहल आपके वजह हुआ है, तो ताकि ये स्ट्रैटेजी हम लोग वर्कआउट किए, यहाँ जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज की क्षमता है, जो इमरजेंसी हैंडल करने की क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे तक वो मेंटेन कर पाएंगे उन मुश्किल से, ताकि ये बच्चे केवल गोरखपुर से नहीं आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, यहाँ सटा हुआ 25-30 जनपद से आते हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी अचानक बच्चे इमरजेंसी में आ जाएंगे वो भी हैंडल नहीं कर पाते, उसी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डायरेक्शन दिया है, यहाँ नीचे पीएससी सीएससी जिला अस्पताल वो नीचे ग्रामीण लेवल पे जो कितने कितने नीचे तक जा सकते हैं सब सेंटर तक, उसी का संसाधन साधन को मजबूत कराना है, उसी के दिशा पे हम लोग हर पीएससी सीएससी में अलग वार्ड खुले हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस वार्ड, न्यूनेटल इमरजेंसी यूनिट अलग अलग खुला गया है, उसके बाद जो अचानक बच्चे के लेके दौड़ते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, वो आदत हम लोग जो दस्तक अभियान 1 और 2 के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, ये कॉन्फिडेंस में लाए, ताकि जो किसी भी बच्चे का दिमागी बुखार हो जाता तो माँ बाप खाप लेते हैं, बच्चे के लेके दौड़ देते हैं कहीं से भी बचाने के चक्कर पे, उसे उनको नहीं पता है क्या बीमारी है, कैसे बचाना है, क्या चीज़ है, आपके वजह ये संदेश हर जगह पहुंच गया है, ताकि जो बच्चा बुखार चढ़ने के बाद 24 घंटे के अंदर किसी भी पीएससी सीएससी में आ जाएगा, जो दवा है डॉक्सीसाइक्लिन और अमॉक्सिलिन जो भी है, जो एंटीबायोटिक दवा देने के बाद तुरंत सही हो जाए बच्चा, आराम से वो घर 1-10 दिन के बाद वापस जा सकते हैं, 1-2 दिन में वापस जा सकते हैं, ये उनका नहीं पता होता है, उन लोग क्या करते हैं अक्सर
जो बीमार बच्चे के घर में ही तो डॉक्टर के इंतजार करते, चलो तो हल्की बुखार है, सही हो जाएगा सही हो जाएगा, तब दो तीन दिन गुजर जाता है, वो बच्चे बिल्कुल नियंत्रण का पार हो जाता है, फिर उनका बचाना मुश्किल हो जाता है। एक ही संदेश आपके माध्यम से जाना चाहिए था, किसी भी बच्चे का बुखार हो जाता है, हल्की सी भी बड़े भी है, तुरंत उनको ले जाकर के पीएससी सीएससी में दौड़ करके भर्ती कराना है, उसके बाद उपचार कराएंगे तो पूरा हो सकता है। उससे हम लोग अच्छा सफलता पाए, ये सफलता इतने तक पाए ताकि हम लोगों का जो गोरखपुर के केस स्टडी बना करके अन्य देश प्रदेश में भी ले जा रहे हैं, ताकि नया नया योजना तब आता है तो गाँव में आपके माध्यम से ही संदेश पहुंचता है। जो भी फ्लैगशिप योजना कहते हैं, तब मान लीजिए तो पहले जननी सुरक्षा योजना चलती थी, अभी भी चल रहा है, जो जन्म लेने के बाद क्या पैसा मिलता है, बच्चे के क्या फायदा है, उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ कराना है, एचएनबीसी होम बेस न्यू बॉर्न बेबी का जो है वो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, ताकि जो जन्म लेने के बाद जो बच्चा घर जाता है उनको भी समस्या होता है, घर जा कर के विजिट कराना होता है, वो बच्चे में छोटी छोटी समस्या होता है, आपके लेवल से वो हल कर सकते हैं। ये जो कितने विभिन्न योजना है ये आपके माध्यम से ही जो गांव में पहुंचती है खासतौर पे। ये आयुष्मान भारत भी ऐसे ही अच्छा योजना है, ये तो गोरखपुर नंबर वन में चल रहा है इस समय में प्रदेश में, तकरीबन 10,000 के ऊपर जो मरीज लोग हम लोग इलाज कर चुके हैं, ऐसे मरीज हैं किसका 5 लाख 6 लाख 7 लाख का जो किसी का किडनी रिप्लेस करना है, किसी का बड़ा ऑपरेशन कराना है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, सारे जो है बड़े बड़े जो ऑपरेशन है खर्चा उठाने वाले बात है वो सारे इसी योजना में कवर हो जाता है। एंड हम लोग करीब 40 हॉस्पिटल यहाँ इम्पैनल कर रखा है, और भी हॉस्पिटल इम्पैनल कर लेंगे। मैं आपसे बस एक दो चीज मैं मांगने चाहता हूँ और आपसे अपील भी करने चाहता हूँ। देखिए आशा ऐसे खड़ी हो गया, बहुत महत्वपूर्ण मजबूत खड़ी है, आपका बिना ये स्वास्थ्य विभाग चलना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर रूरल एरिया में जो ग्रामीण इलाका में, इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज पहल किए ताकि आप लोग हर काम का जो ये हानदेरी मिलता है, जो प्रेरणा स्रोत का जो पैसा मिलता है वो बहुत कम है, हम भी जानते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद ये फिक्स्ड मानदेय भी आपको मिलना चाहिए था, उसको हम भी पहले भी करेंगे, अब उसी के पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। जैसे 750 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, आपके संदेश में सीएमओ साहब पढ़े थे, वो आप भी देखे थे, कि जरूर ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं, जरूर इसको बढ़ते जाएगा, आपको सुविधा अक्सर अच्छा स्तर पे हम ले जाएंगे, ताकि अभी हेल्थ वेलनेस सेंटर एक कॉन्सेप्ट आ गया, इसी जनपद में हम लोग 105 केंद्र बना रहे हैं, उस पर एक नर्स रहती है गांव में, वो आप सहयोगी के रूप से आप भी रहेंगे, नर्स से भी मानदेय मिलेगा, आपको भी मानदेय मिलेगा, उस पर जो छोटे छोटे बीमारी होता है वो गांव में ही सही हो जाता है, उनका लेकर के पीएससी सीएससी आने की जरूरत नहीं। मान लीजिए किसी के बीपी चेक करना है, किसी का जो शुगर चेक करना है, किसी का हल्की बुखार का दवा लेना है, किसी बुजुर्ग का कोई और कोई उपाय है, वो सारे चीज आप गांव में आराम से कर सकते हैं, डिस्पेंसरी भी मिल जाएगा, धीरे धीरे हर गांव में एक हॉस्पिटल जैसे हो जाता है, आप ही लोग चलाते हो, आपको सहयोग से चलेगा, ये भविष्य में होने वाली है जल्दी। ये जो दो तीन बिंदु जो सीएमओ साहब ने हाईलाइट किए हैं, मैं उसी से थोड़ा दुख हूं, यहाँ खासतौर पर जो लिंग का जो रेशियो है बहुत बिगड़ गया है, यहाँ तो तकरीबन 1000 प्राइवेट नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, तकरीबन 400 स्कैनिंग सेंटर है यहाँ जनपद में, स्कैन सेंटर हम देते हैं ताकि, तो स्कैनिंग बहुत जरूरी चीज होता है, शरीर के अंदर जो चीज है वो स्कैन के बाद ही पता चलता है, बट उसको दुरुपयोग भी आराम से हो जाती है, ताकि बच्चे के लिंग का परीक्षण जो शिशु का उसी से हो जाता है, हम अक्सर तो कहीं भी समस्या जो सामने आती है, कहीं खबर मिलती है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, सख्ती से सख्ती कार्रवाई करते हैं, बट कहीं ना कहीं तो है ये, जो कहीं गांव वाले से कौन बताता है, ये जो आओ तो आपको 2 बेटी होगी, तीसरी बेटी है क्या, बेटी है क्या, बेटा एक बार देख लेते हैं, नहीं तो उसको खत्म कर लेते हैं, जैसे खत्म करने लगेंगे तो इसी कमरा में एक भी महिला नहीं बचती है 10 साल के बाद, जैसे हालत हो जाता है, हम कौन होते हैं किसी बच्चे के मरने वाले मराने वाले, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है, वो भी महिला का मरने के बाद तो कैसे जिएंगे, उनको जन्म कौन देगा, मैं देखिए ये तो बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। देखिए इसलिए सरकार तमाम योजना चला रही है, यदि बेटी का जरूर मैं समझ रहा हूँ, दहेज से लेकर तमाम चीज तो है ही सामने, उनको पढ़ाना धुकाना कराना एक तरफ बहुत समझते हैं समूह में, अब इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहल किए, अभी सुमंगला योजना उसी के अंदर 15,000 रुपया हर बेटी के देते हैं, धीरे धीरे हर बेटी का पढ़ाई का जो जिम्मेदारी सरकार उठाएगी पूरा उठाएगी, आप यदि नहीं पाल पाएंगे तो ठीक है हमें दे दीजिए, वो हमारे लिए तो असेट है, हमारे लिए वो सब चीज है, उन्हीं का रखना, उन्हीं का पालना, उन्हीं का बड़ा कराना सरकार का भी काम है,
वो हम करेंगे, बट किसी का खत्म करने का काम किसी कतई किसी के पास नहीं है। कोई भी किस लेवल से भी कर रहा हो, उसी को साथ दे रहा हो, हम कतई वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ साथ इसी जनपद में एक सचेत कराना चाहता हूँ आपको, यहाँ देखिए दलाल का अड्डा बना हुआ है, प्राइवेट डॉक्टर जितने लोग सब दलाल पाल रखे हैं। दलाल के यही काम है दूर दूर से मरीज को पकड़ के ले आए, सर्जरी करा करके उनसे 50,000 से 1,00,000 रुपए लूट के छोड़ो। ये है, ये सच्चाई है। आप तो कहीं मेडिकल कॉलेज रोड में देख सकते हो कितने कितने बिहार का गाड़ी झारखंड का गाड़ी खड़ी है, तो कहां से ले आ रहे मरीज, ये दलालों के ले आते हैं। ये इसी दलाल का जाल में मत फंसना है, ताकि आप सरकारी कर्मचारी, मैं जानता हूं मुझे दुखी के साथ कहने पड़ रहा है, हमारा आशा बहन जो नॉर्मल डिलीवरी की वजह तो सिसेरियन के लिए ले जाती है, 5,000 रुपया उनके कमीशन मिलता है। और कौन कौन डॉक्टर देते हैं ये भी नहीं पता है, मुझे पता है सारे डॉक्टर देते हैं। आपके दिवाली के लिए आपके टिफिन बॉक्स से लेकर तमाम गिफ्ट आइटम देते हैं, काहे के लिए दे रहे हैं। देखिए हम जो किसको इलाज कर रहे हैं, किसको हम ट्रीट कर रहे हैं, वो सारे गरीब से गरीब है, उससे गरीब है ही नहीं। थोड़ा ठीक ठाक होते हैं तो स्वयं वो चले जाते हैं जो प्राइवेट अस्पताल में। आपका जो कौन सी चीज होता है 1,000 रुपया 2,000 रुपया जो देते हैं, जो योजना है बच्चे पैदा होने के बाद, उसके पीछे क्यों पड़ना है उनका, ताकि उनके लिए वो अमूल्य है। 1,000 तो बड़ी बात होता है उनके लिए, 500,000 ये इनका जो कहां ले जाकर के सर्जरी करवा रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, उससे हम क्या पालेंगे, पालन पोषण करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये दलाल का जाल में मत फंसे, ये बहुत बुरी तरह फंसाने वाले हैं। हम जो सारे प्राइवेट डॉक्टर करते हैं भी नहीं पता है, मुझे पता है कौन कौन आशा जाती है कौन कौन नहीं जाती है, मुझे तो कहने के लिए दुखी हो रहा था। अभी ना जाने वाला आशा ना के बराबर होगी। मैं चाहता हूँ कृपया करके जो सरकार का छवि है बनाए रखें, गरीब व्यक्ति का सरकार अस्पताल में ले आए, यही इलाज करें। श्रीमती कुसुम देवी, सरदार नगर से श्रीमती पार्वती, भगर से श्रीमती अधा त्रिपाठी, सब लोग एक साथ पहुंच गए यहाँ पेड़िया से कृष्णावती, कौड़ीगाम से अनिता देवी, खोराबाद से लता मंजू देवी, पाली से सरोज देवी, विद्यावती, कौड़ीगाम से श्रीमती अर्चना देवी, खोराबाद से श्रीमती देवी देवी। फोन नंबर आशा संगनी में काम करते हुए, आशाओं पर देख रेख करते हुए, उठी नवजात माँ और नवजात का उठी देख रेख करते हुए उसके कारण उठी मिला है प्रोत्साहन। आशा के उठी रजिस्टर बनवाते हैं, आशा का काम देखते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, नवजात शिशु और माँ को देखते हैं, जो काम मिलता है वो काम सारा करते हैं। सिंधु चौरसिया उर्वा ब्लॉक को सम्मानित इसलिए किया जा रहा है कि जैसे गांव में होने वाले डिलीवरी, नसबंदी या कोई भी काम होता था तो पहले लोग नहीं मानते थे कि हमको अस्पताल जाना है, कि सब लोग सोचते थे कि हमको गांव में ही करा लेना चाहिए था। गांव में कराने से पहले की बुजुर्ग महिलाएं नहीं जाने देती थी, लेकिन अब सारी औरतें इकट्ठा होकर हम लोगों का जैसे मीटिंग के दौरान, गांव में समूह बैठक के दौरान समझाया गया, बताया गया कि यहां जाने से क्या लाभ है, अस्पताल पे कुछ काम करने से, अस्पताल पे टीकाकरण चेकअप कराने के लिए पहले लोग नहीं तैयार होते थे, लेकिन अब अपने से हर 9 तारीख को लोग तैयार हो जाती हैं कि हमको जाना है। एक दिन पहले पूछ लेती हैं कि हमको जाना है HRP के लिए चेकअप कराना, 4 बार चेकअप कराना, फिर बच्चों को टीकाकरण किस दिन करवाना है, ड्यू लिस्ट तैयार करना है, सारे काम हम लोग से पूछ के करती हैं कि आज आप गांव में बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं, कुछ काम है, एनम दीदी आएंगी कि नहीं आएंगी, सारे लोग आके पूछते हैं हम लोगों से। 23 अगस्त हर वर्ष आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2005 में इसकी शुरुआत 23 तारीख को हुई थी, उसी को याद करने के लिए आशा बहनों का 23 अगस्त हर साल आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी का आयोजन आज ये आशा सम्मेलन के रूप में किया है, जिसमें लगभग हमारी 1,000 से 1,200 आशाओं ने
शिरकत किया है। इसमें हम जितनी ब्लॉक्स हैं हमारे, हर ब्लॉक में फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे अच्छा काम करती है उसको 5,000 रुपये की प्राइस, जो द्वितीय होती है वो 2,000 और तृतीय को 1,000 की प्राइस भी देते हैं उनके काम के आधार पर। और उनको विभिन्न प्रकार के हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, जो नई आई हैं, हालांकि उनको हम ट्रेनिंग देते रहते हैं पर यहाँ पर भी उसका जिक्र करते हैं। ये पूरे दिन का हम कार्यक्रम करते हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए प्रहसन नाटक जो सामयिक बीमारियों पे, EJS पे या मातृत्व मृत्यु घटाने पे बनाया गया है वो सबका मंचन कराते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि श्री विपिन सिंह MLA साहब, DM साहब, वो सब इसमें शिरकत किए। इनॉग्रेशन के बाद क्योंकि उनके समय कम था इसलिए वो चले गए, पर ये कार्यक्रम 4 बजे तक चलता रहेगा। इसमें आसों के समस्याओं के बारे में भी हम लोग अवगत होते हैं और शासन की जो उनके लिए किए जा रहे प्रयास हैं उनके मानदेय के संबंध में, उनकी ड्रेस के संबंध में, उनके कार्य प्रणाली में क्या सुधार और क्या अपेक्षाएँ और होती हैं, इन सब के बारे में भी जिक्र करते हैं। उसी क्रम में आज ये मनाया जा रहा है और आज जन्माष्टमी का पावन पर्व भी है, तो आशा दिवस के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी आशाओं को, सभी लोगों को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशाओं के लिए अभी आप देखें ना, 750 रुपये उनका मानदेय पहले पूज्य महाराज जी ने शुरू किया है, बहुत दिन से मांग उठती थी और तमाम योजनाएं हैं। अगर बहने अगर ईमानदारी से काम करें तो तमाम योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिलना है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, पूर्वांचल में जिस तरह गोरखपुर में सारे अधिकारी हमारे जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर PHCCSC में देख लें, ऐतिहासिक सुधार हुआ है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मरीजों की जहाँ प्राइवेट डॉक्टरों की वहाँ भीड़ नहीं होती थी, आजकल आप देखें 600-700 पेशेंट ब्लॉक स्तर पर देखे जा रहे हैं। यह सरकार के नीतियों का, चाहे गरीबों के अच्छे इलाज के नाते, दवा की उपलब्धता के नाते, लोग उस तरफ भग के जा रहे हैं और अच्छा इलाज हो रहा है। इसमें आशा बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि चाहे डिलीवरी के समय से लेकर हर टीकाकरण, चाहे इंसेफ्लाइटिस में गांव में लोगों को समझाना, आप देखें जिस अभी पूर्वांचल साल डेढ़ साल पहले जितनी समस्या थी, बच्चे काल के गाल में समाते थे इंसेफ्लाइटिस को लेकर, आज कितना ऐतिहासिक सुधार हुआ है। जो पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसने अच्छा कार्य किया है, गांव के लोगों का उसमें सहयोग रहा है, इस नाते उस पर हम सफलता पाए। आप मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, आप सदर अस्पताल में देख लीजिए, तमाम विभाग खुले हैं जहां जिसका लोक अर्पण पूज महाराज जी ने किया है, सुपर स्पेशलिटी वार्ड भी खुले हैं, तो इस नाते गोरखपुर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और हम गंभीर बीमारियों सहित छोटी मोटी बीमारियों पर भी बहुत हद तक कामयाबी मिली है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी आशा बहनों से लेकर उच्च अधिकारियों को हम बधाई देंगे और जन्माष्टमी पर ढेर सारी शुभकामना देते हैं इन सब सभी लोगों को। आशा सम्मेलन के रूप से 23 अगस्त का हम लोग पूरा प्रदेश में मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संदेश है वो पढ़ के हम लोग सुनाए गए। यहाँ 3,600 आशाएँ हैं, हर गाँव में मेहनत से काम करती है, उनका उत्साह कराने के लिए आज पूरे दिन हम लोग एक कार्यक्रम मना रहे हैं, कार्यशाला टाइप का मना रहे हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनका समस्या सुनते हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाना है उसी का पूरा प्रशिक्षण भी है आज रखा है। उसके माननीय विधायक विपिन सिंह जी आए थे अध्यक्षता पर, उन्हीं का अध्यक्षता पर बहुत संपन्न हुआ है कार्यक्रम। और मैं सभी आशा को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएँ देते हैं, ऐसे ही मेहनत के साथ आगे बढ़िए तब देश आगे बढ़ेगी। कासोरपिंड की एक दो समस्या है जो अभी इन लोगों का मानदेय बढ़ाने के, वृद्धि कराने के लिए मांग करते हैं। अभी फिलहाल तो पहले बार इन लोगों का फिक्सड मानदेय 750 रुपया प्रारंभ हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे अपने मानदेय बढ़ाने के लिए बात रखें, उसके बाद फिर विभिन्न योजना जो आता है उसको हमेशा आशा का जो जानकारी नहीं रहता है। वैसे जो आयुष्मान भारत योजना का वो कहती है तो अपने जानकारी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग इनिंग प्रशिक्षण चाहते हैं और कोई साधन संसाधन चाह रहे थे वैसे जो आने जाने का है और अपने टेस्टिंग इक्विपमेंट इत्यादि का, वो सारे समस्या हम लोग नोट करा दिए। जनपद लेवल पर कितने हाल कर सकते हैं हम करेंगे, बाकी हम शासन का वर्क कराएंगे। कुछ आपने भी समझाया है कि क्या क्या आपने समझाया? खासतौर पर देखिए जो ये अभी तो मेडिकल फील्ड में बहुत कॉम्पिटिशन चल रहा है, खासतौर पर यहाँ जो यहाँ भी तो मेडिकल हॉस्पिटल का हब बना हुआ है उस पर, एंड ज़्यादा लोग मतलब थोड़ा इलीगल प्रैक्टिस भी चालू किए हैं, खासतौर पे दलाल माध्यम से पेशेंट के ले आना कराना, कहीं कहीं जो हमारा आशा बहन भी उसी का शिकार हो जाती है। उसी के हमने सचेत किया है ताकि जो कभी भी हम ये सरकारी कर्मचारी तौर से रहना चाहिए था, गरीब लोग के लिए मेहनत करना चाहिए था, हमने यही बताया था। फिर इन लोगों का जो कभी भी ये जो दलाल लोग का जो जाल में नहीं फंसना चाहिए था, ये हमने संदेश दिया।